ही मजे की और अपनी फेवरेट डिश बेक कर रही हूँ कैसरोल। कोई भी आपके घर में मेहमान आ रहे हो तो आप इसको एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है, बहुत अपीलिंग होती है और बच्चे इसको बहुत शौक से पसंद करते हैं। खुद भी आप शाम की चाय के साथ बेक कर सकते हैं, बहुत जल्दी बेक हो जाती है और बहुत ईजीली। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी सबसे पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें इसमें हाफ कप चॉप्ड अनियन चाहिए होगा, हाफ के जी बोनलेस चिकन जिनको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है, और वन पैकेट कोई सा भी आप पास्ता ले लें जिसमें से मैं हाफ ही पैकेट यूज़ करूँगी, और हाफ कप मोज़रेला चीज़, और सॉल्ट और पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेंगे। चिकन टिक्का मसाला थोड़ा सा हमें चाहिए होगा, और मैं वैसे शान वालों का यूज़ कर रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये आपने पिसा पिसाया यूज़ नहीं करना, उसी वक्त आपने इसको पीसना है। 3 टेबल स्पून मैदा, और हाफ कप बटर, और वन एंड हाफ कप मिल्क। चीजें नोट डाउन हो गई, अब हम ओवन को प्रीहीट पे लगाएंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे, और सबसे पहले अब हम चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी कि हमने हाफ कप ऑयल लेना है। हाफ कप से भी बेशक आप थोड़ा सा ऑयल ले लें अपने अकॉर्डिंग, जितनी आपकी चिकन है। मैंने क्योंकि हाफ के जी चिकन यूज की है, मैंने आपको पहले बता दिया है। इसमें हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे हाफ कप चॉप्ड अनियन, उतना ही हमने इसको पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये बहुत जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, ये देखें ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है चिकन, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। और मैं नॉन स्टिक बर्तन बहुत कम यूज करती हूँ, जब से मुझे उनके ज़रा ड्रॉबैक्स का पता चलना शुरू हुआ है तो मैं नॉन स्टिक यूज़ नहीं करती। चिकन थोड़ी सी वाइट होने लगे यानी फ्राई होने लगे तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, साथ साथ बर्तन भी मैं समेटती चली जाती हूँ। इसके अंदर अब हम लोग 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, और साथ ही हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करना है, थोड़ा सा चटकारेदार बनाने के लिए मज़े का। और मैं तो अपने अंदाजे के मुताबिक ही यूज़ करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल, 1.5 टेबल स्पून भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चटकारेदार बनाना है, क्योंकि मेरे तो बच्चे भी हैं और बच्चे इतने ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते इसलिए। और बस हमने चिकन को थोड़ा मॉइस्ट ही रहने देना है क्योंकि हमने इसको बेक भी करना है। अच्छा, जब तक हमारी चिकन फ्राई होती है हम पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। पानी के अंदर ही हमने हाफ पैकेट पास्ता ऐड कर देना है, साथ ही नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर देना है। और इसको सिर्फ और सिर्फ ये माइंड में रखें कि 8 मिनट से ऊपर बॉयल नहीं करना। अब हम बनाते हैं व्हाइट सॉस। सबसे पहले हमने बटर डाला पैन में और चूल्हा ऑन किया, इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं बटर को। आप कोई सा भी बटर यूज़ कर सकते हैं, इवन जो घर में बनाते हैं वो वाला भी, सॉल्टेड अनसॉल्टेड। अगर आप सॉल्टेड यूज़ करेंगे तो फिर आप नमक बेशक ऐड ना करें चिकन में भी, ये इसकी व्हाइट सॉस बनेगी। बटर मेल्ट हो गया, अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमने अच्छे तरीके से छान लेना है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध, 1 to 2 कप्स हम दूध ऐड करेंगे। इसको आप हैंड मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हैं, इससे फिर ये है कि लम्ब्स नहीं बनते। और अगर आपका बहुत थिक हो जाता है तो आप इसमें दूध और ऐड कर दें, और अगर बहुत थिन रहता है तो थोड़ा सा मैदा और ऐड कर दें। इसके अंदर ही हम अब काली मिर्च और नमक ऐड करेंगे, कि मैंने पहले बताई हुई है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर काली मिर्च। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे, मैं आपको पहले भी बताना भूल गई, ओरिगानो। मैंने तो अपने घर में भी ओरिगानो लगाया हुआ है, उसी को ड्राई करके रखा हुआ है।
1 टीस्पून ओरिगानो भी चला गया इस वाइट सॉस में। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि ये काफ़ी थिक हो गया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। तो ये आपकी वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। अब हम इसके अंदर जितनी मैंने वो हाफ कप मोज़रेला चीज़ बताई थी उससे हाफ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और ये आपकी वाइट सॉस रेडी हो गई। और उस वक्त तक हमारे पास्ता भी रेडी हो गया है, 8 मिनट हो गए हैं। जिस डिश में हम लोगों ने बेक करना है मैं इसमें बेक कर रही हूँ। इसको पहले मैं ग्रीस कर लूँगी थोड़ा सा, वैसे तो ना भी करें तो भी ठीक है लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ हल्का सा ग्रीस इसको ऑयल से। ये देखें पास्ता बॉयल हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कि ये इतनी जल्दी टूट नहीं रहा। ये देखें इसको सिर्फ मैंने 7 मिनट ही बॉयल किया है। सबसे पहले हम थोड़ी सी वाइट सॉस नीचे डालते हैं, ये डल गई। अब हमने पास्ता डालना है, इसके बाद चिकन ऐड करेंगे हम। अच्छा मैं एक आपको बात बताती चलूं कि चिकन के साथ आप कोई भी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी की, मशरूम्स, बेल पेपर यानी शिमला मिर्च वगैरह कोई भी आप साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं करती, मैं तो सिर्फ ये चिकन ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद अगर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो पास्ता सॉस ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, ऑप्शनल है। किसी ये ऐड कर दी, अब हम इसके ऊपर डालेंगे वाइट सॉस। ठीक है, अब वाइट सॉस की बारी है। वाइट सॉस डल गई, अब हम दोबारा पास्ता डालेंगे। इसी तरह हमने जैसे पहले लेयर्स लगाई हैं, काफी है मेरा ख्याल है। बाकी की बची हुई चिकन थी वो चिकन आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ी कम रखी है क्योंकि मेरा बेटा चिकन नहीं खाता तो वो इसमें से पास्ते ढूंढ ढूंढ के खा लेगा बस, तो इसलिए मैं डालती ही कम हूँ। बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से चिकन, वेजिटेबल, आप जिसकी जो भी इसकी फीलिंग है ना, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर अब हम डालेंगे वाइट सॉस, थोड़ी सी पास्ता सॉस डाल दें ऐड, हल्का सा बस कहीं कहीं। आप पास्ता सॉस ना हो तो आप केचप भी डाल सकते हैं, अच्छी लगती है। और एंड पे हम डालेंगे वाइट सॉस, और ये ख्याल रखना है कि वाइट सॉस से पूरा पास्ता कवर हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ से पास्ता कवर नहीं होगा वहाँ से जब हम बेक करेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा, क्रिस्प, बिल्कुल ऐसा सख्त हो जाएगा कि खाया ही नहीं जाता, जहाँ जहाँ से वो अगर रह जाए वाइट सॉस से। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, वैसे तो आपको इसकी रेसिपी तो नेट पे मिल ही जाती है लेकिन ये छोटी छोटी टेक्निक्स भी होती है ना, जो वो भी ज़रा नोट डाउन करने वाली होती हैं। और फिर आप इसके ऊपर बेशक ऑलिव्स डाल दें, ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है, किसी को नहीं भी पसंद होते आप ना डालें, या ग्रीन भी डाल सकते हैं, मेरे पास तो ब्लैक ही थे तो मैं ये ब्लैक ही ऐड कर रही हूँ उसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे, चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर हो, मैं तो कम ही डालती हूँ चीज़ भी। आप कहेंगे हर चीज़ ही कम डालती है, एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी होना चाहिए। अब मैं इसको रखने लगी हूँ ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप देख सकते हैं कि इसमें से मेरे हस्बैंड ले भी गए हैं और अब मुझसे भी और ज्यादा सब्र नहीं हो रहा, मैं भी इसको एंजॉय करने लगी हूँ। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।